हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त जगमीत आज आपके लिए लेकर आए हैं एक कॉर्नर का बेहद खूबसूरत घर, जो कि रहने वाला है सेक्टर 125 ओल्ड सनी इनक्लेव की लोकेशन में। दोस्तों, मेन हाईवे से अगर मैं बात करूं तो बहुत ही नियर बाय की ये लोकेशन है। वॉक इन डिस्टेंस है मेन रोड से, गए सारा ही फ्रंट एलिवेशन आप इस घर का देख सकते हैं। दोस्तों, 27 फिट का इसका फ्रंट आ जाता है और 55 फिट की इसकी लेंथ आ जाती है। फ्रंट में और साइड में हमको 6-6 फुट की बरम इसमें एक्स्ट्रा मिल जाती है। और अगर आसपास की एरिया की बात करूँ तो ये फुली डेवलप लोकेशन रहने वाली है। नियर बाय इसके एक बड़ा पार्क भी मिल रहा है, मार्केट है, गुरुद्वारा साहिब, मंदिर और स्कूल्स, हॉस्पिटल सारे ही इसके नियर बाय लोकेशन में है। दोस्तों, मेन रोड से बिल्कुल वॉक इन डिस्टेंस पे ये लोकेशन है। दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं घर के अंदर। दोस्तों, घर एंटर करते ही दोस्तों हमको मिल जाती है कार पार्किंग एरिया, और पार्किंग एरिया में भी आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डाउन सीलिंग की गई है और लेफ्ट साइड में बहुत ही सुंदर वुडन डिज़ाइन दिए गए हैं। और मेन डोर की बात करूँ तो स्टैंडर्ड आपका प्रॉपर जाली का एक वुडन डोर मिल रहा है 8 फुट के हाइट का, और साथ ही में एक हैवी वुडन डोर इसमें मिल जाता है जिसमें हमको डिजिटल लॉक भी लगा मिल रहा है। दोस्तों, सारे ही डोर्स के टीक के रहने वाले हैं। दोस्तों, टर्माइट प्रूफ के डोर्स हैं। और बिल्कुल सामने की वॉल पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर के वुडन डिज़ाइन दिया गया है वॉलकैम वॉल के ऊपर। और ये डाउन सीलिंग आप देख सकते हैं हमारे डाइनिंग एरिया के अंदर स्टेयर्स घर के अंदर तक अंदर से ही है। दोस्तों, टूप्लेक्स विला ये रहने वाला है। और ये आ जाएगा इसका ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया में भी बहुत ही सुंदर डाउन सीलिंग का डिज़ाइन मिल रहा है। बैक वॉल पे वॉलपेपर एक बड़ी विंडो मिल जाती है और एक बहुत ही सुंदर वुडन पार्टीशन डिज़ाइन आप देख सकते हैं इसके अंदर। और डाइनिंग एरिया की भी डाउन सीलिंग काफ़ी ही खूबसूरत रहने वाली है। और ये सामने आपकी डेकोरेशन के लिए भी एक वुडन डिज़ाइन दिया गया है। और ये सामने हमारा आ जाता है मॉड्यूलर किचन। आप देख सकते हैं प्रॉपर रूफ हाइट तक इसमें हमको कैबिनेट्स मिल रहे हैं, तो भी काफ़ी अच्छी आपकी स्पेस यूटिलाइज हो जाती है इस किचन एरिया के अंदर। ये लेफ्ट साइड में हमको पेंट्री मिल जाती है, उसी के साथ में ओवन माइक्रोवेव रखने की स्पेस आ जाती है, उसके साथ में हमारे फ्रिज रखने की प्रोविजन दी गई है। तो एक फुली मॉड्यूलर के घर है दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर दोस्तों बने रहें, और इस घर की वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और ऐसी और प्रॉपर्टीज़ की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आ जाएगा इसका दोस्तों पहला बेडरूम, जिसका साइज़ रहने वाला है 14 फुट बाय 16 फिट का रूम साइज़ है, जिसमें आप देख सकते हैं बैक वॉल पे वॉलपेपर, रूफ हाइट कपबोर्ड, और ये सामने बड़ा LED पैनल, साथ में स्टडी टेबल भी बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस के साथ इस घर को पूरा ही तैयार किया गया है। साथ में ड्रेसिंग एरिया भी आप देख सकते हैं दिया गया है। और ये आ जाएगा इसका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर भी आप देख सकते हैं ये सेरा का जो शॉवर सेट लगाया गया है, फुली मॉड्यूलर के सेट रहने वाला है। दोस्तों, टाइल्स की बात करूँ तो रूफ हाइट तक टाइल्स मिल रही है, और सारी ही सैनिटरी फिटिंग जैगुआर ब्रांड की रहेगी दोस्तों घर के अंदर। तो ये था इसका पहला बेडरूम। दोस्तों, चलते हैं इसके सेकेंड बेडरूम में। यह आ जाएगा इसका सेकंड बेडरूम दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं फ्लोरिंग की टाइल वुडन टाइल्स यूज़ की गई है। डाउन सीलिंग बेहद खूबसूरत रहने वाली है। बैक वॉल पे वॉलपेपर और 2 विंडोज़ मिल जाती है हमको, और साथ ही में ये रूफ हाइट तक कपबोर्ड आ जाएंगे और एक बड़ा LED पैनल जिसमें काफ़ी सुंदर LED लाइट्स लगाई गई है। नीचे 2 ड्रॉर्स मिल जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे इंटीरियर डिज़ाइन के साथ ये पूरा ही घर तैयार किया गया है दोस्तों सनी इनक्लेव के अंदर। के सेल के लिए है दोस्तों 165 गज का कॉर्नर का घर। इसकी जो डिमांड रहने वाली है वो है दोस्तों 1,50,00,000 की डिमांड है। डायरेक्ट डील और जेन्युइन डील रहेगी ये हमारी तरफ से। अगर आप इस घर की विजिट करना चाहते हैं, डिटेल जानना चाहते हैं, हमारे स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे दोस्तों कॉल करके आप जान सकते हैं और इस घर की विजिट कर सकते हैं। ये आ जाएगा इसका बैक साइड का वॉशिंग एरिया, जिसमें आप देख सकते हैं चारों तरफ टाइल वर्क किया गया है, और बैक साइड से भी ग्रिल वर्क करके आपकी प्रॉपर सेफ्टी रहती है बैक साइड से भी। तो ये था इसका ग्राउंड फ्लोर का एरिया। चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे दोस्तों। स्टेयर्स घर के अंदर से ही है। स्टेयर्स एरिया पे भी आप देख सकते हैं प्रॉपर स्टील की और टफन ग्लास के साथ ग्रेलिंग मिल रही है, और ये साइड पे लाइट्स भी देख सकते हैं जो कि काफ़ी सुंदर लग रही है। और एक साइड पे एक बड़ी विंडो है दोस्तों, यहाँ से बहुत ही सुंदर डे लाइट भी आती है घर के अंदर। और ये आगे हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे आते ही ये सामने हमको एक बड़ा हॉल मिल जाता है दोस्तों। ये सामने ऊपर छत में आप इस एरिया में अपना झूमर भी लगा सकते हैं, और एक काफ़ी स्पेशियस हॉल रहने वाला है। इसको आप यहाँ पे मिनी थिएटर टाइप भी इसमें बना सकते हैं दोस्तों। ये बड़ी विंडो आप देख सकते हैं मिल रही है, साथ ही में काफ़ी सुंदर वुडन डिज़ाइन दिए गए हैं। तो चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम में।
थर्ड बेडरूम में भी आप देख सकते हैं, हमको वुडन फ्लोरिंग टाइल्स मिल रही है, बहुत ही सुंदर डाउन सीलिंग मिल रही है, बैक वॉल पे वॉलपेपर मिल रहा है, और साइड में दो वुडन के स्टूल्स भी बनाए गए हैं इसमें, और ये सामने एलईडी पैनल आ जाएगा दोस्तों, और एक बड़ी विंडो मिल जाती है हमको राइट हैंड साइड में, जिससे काफ़ी अच्छी डे लाइट रहती है, और ये सामने डोर से हमको आ जाती है हमारी एंट्रेंस बालकनी एरिया की, जो कि काफ़ी सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया किया गया है। यहाँ पे मॉर्निंग में इवनिंग में बैठ के आप अच्छा टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं दोस्तों। सारा ही आप देख सकते हैं, फ्रंट एलिवेशन में भी टफन ग्लास की रेलिंग मिल रही है, प्रॉपर लाइट मिल रही है आपको, रूफ एरिया में भी वुडन टाइल्स लगाई गई है बालकनी के अंदर भी, और इस रूम के साथ आपको दोस्तों एक अलग से अटैच ड्रेसिंग एरिया मिलता है। ड्रेसिंग एरिया में आपको प्रॉपर रूफ हाइट तक कपबोर्ड्स मिल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, और साथ ही में इसका आ जाएगा अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स है दोस्तों, वो सारी ही ब्रांडेड रहने वाली है, वो सारी आपको पोजेशन से पहले फिटेड मिलेगी। प्रॉपर डाउन सीलिंग मिल रही है हमको वॉशरूम के अंदर भी, और जितने भी पूरे घर में डोर्स यूज़ किए गए हैं, सारे ही टीक के डोर्स रहने वाले हैं, और प्रॉपर पॉलिश डोर्स के मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इस घर की डिटेल जानने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। ये आ जाएगा इसका फोर्थ बेडरूम। फोर्थ बेडरूम में भी बहुत ही सुंदर डाउन सीलिंग का डिज़ाइन मिल जाता है, रूफ हाइट तक का बोर्ड्स, बैक वॉल पे वॉलपेपर, एक बड़ा एलईडी पैनल मिल जाता है दोस्तों, और साथ ही में इसका आ जाएगा राइट हैंड साइड में अटैच वॉशरूम। जितनी भी पूरे घर में फिटिंग्स की गई है, अपनी कैमरा वायरिंग, केबल वायरिंग, वो सारी ही इंटरनली कर दी गई है दोस्तों। स्प्लिट एसी की वायरिंग भी इसमें कर दी गई है, ताकि कल को आपको कोई भी रेनोवेशन या कुछ एक्स्ट्रा वर्क कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने अपना फर्नीचर लेके इसमें मूव इन करना है दोस्तों। तो कैसा लगा कि आज का घर 165 गज का एक कॉर्नर का हाउस, जिसके साइड पे भी हमको ग्रीन एरिया मिल जाता है, और 1.5 करोड़ के बजट में ये घर मिल रहा है दोस्तों। नक्शा पास के प्रॉपर्टी है, बिल्कुल जेन्युइन क्लियर प्रॉपर्टी है, सभी ही बैंकों से इस पे लोन अवेलेबल रहेगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर का टेरेस एरिया, साइड में ग्रीन ग्रीन एरिया भी आप देख सकते हैं, जो कि इस घर का पर्सनल रहने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पास ऐसी कई ऑप्शंस रहने वाली है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।